नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा परिसर के अंदर एक टीवी धारावाहिक की शूटिंग की अनुमति देने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन की कड़ी आलोचना की और इसे बेहद शर्मनाक बताया। उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि लोकतंत्र की जननी का असली चेहरा यहाँ एक समय सभी दलों, धर्मों, पृष्ठभूमियों और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों से चुने गए जनप्रतिनिधि बड़े महत्व के मामलों पर कानून बनाते थे, लेकिन अब अभिनेता और एक्स्ट्रा कलाकार इसे टीवी नाटकों के सेट के रूप में उपयोग करते हैं, जो कि बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि ये शर्म की बात है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा संचालित सरकार ने लोकतंत्र के प्रतीक, जहाँ वे कभी बैठते थे और शासन करते थे, को इस दुखद स्थिति में पहुँचा दिया है। उमर अब्दुल्ला ने आगे लिखा कि उनके पास एक नकली सीएम भी है जो उस कार्यालय से आ रहा है और जिस पर मुझे 6 साल तक रहने का विशेष अधिकार प्राप्त था। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने जो फोटो शेयर की है उसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा में उमा कुरैशी हिंदी भाषा की टीवी सीरियल महारानी की शूटिंग पिछले साल जून में की गई थी। ये सीरीज 1990 के दशक में बिहार में हुए राजनीतिक बदलावों से प्रेरित है, जब कुख्यात चारा घोटाले में फंसे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। आपको बता दें कि 20 दिसंबर 2018 को राज्यपाल द्वारा जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग कर दिया गया था। Dhoon International School Jammu, an institution par excellence which does not mark its existence through its impressive and modern infrastructure, rather it dwells inside the heart and soul of its DIS members. Admissions open from pre-nursery to class 12. Dhoon International School, Chowadi near Saini Colony, Jammu. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।